एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक गुड न्यूज आई है जिसे सुन के आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर में जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। इस खुशखबरी को अभिनेत्री ने खुद ही एक लेटेस्ट पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर किया है और इसे देखते ही दीपिका को ढेरों बधाइयां मिल रही है। गुरुवार 29 फरवरी को दीपिका पादुकोण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर अपनी प्रेगनेंसी की खबर अनाउंस की है। उन्होंने एक फीचर इमेज शेयर की और बताया कि उनका बेबी सितंबर 2024 में आ रहा है। बॉलीवुड स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका का सेकेंड ट्रिमेस्टर फेज चल रहा है और उनकी डिलीवरी सितंबर 2024 में होने वाली है। बता दें कि इससे पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हैं और अब खुद ही अभिनेत्री ने इस गुड न्यूज का ऐलान भी कर दिया है। दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर तब से लगातार खबरें आ रही थी जब उनका 77वें ब्रिटिश अकेडमिक फिल्म अवार्ड में रेड कार्पेट पर साड़ी पहनने बेबी बम्प दिखा था। आपको बता दें कि इससे पहले भी दीपिका ने वोग से बेबी प्लानिंग को लेकर कुछ बातें बयां की थी। तब उन्होंने बताया कि उन्हें और रणवीर को बच्चे पसंद हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब जब परिवार शुरू करेंगे, मैगजीन द वीक को दिए एक इंटरव्यू में भी दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी पर कन्फर्मेशन दे दी थी और अब उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर अनाउंसमेंट किया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की मुलाकात संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के सेट पर हुई थी। नवंबर 2018 में शादी करने से पहले उन्होंने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और अब वे पेरेंट्स बनने के लिए एक्साइटेड हैं। कपल की शादी को भी 6 साल हो गए हैं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका आखिरी बार शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म जवान में नजर आई थी। वो अगली बार रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।